आज हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला की। एक एग्जांपल देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 61% कार्बन एंड 11.88% हाइड्रोजन। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड बी 59, देन कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। इसके लिए हमने कुछ वर्किंग रूल्स लिखे हैं जो दो स्टेप्स में है। सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स दिए हैं, इन एलिमेंट्स के परसेंटेज को डिवाइड करेंगे इट्स ओन एटॉमिक मास से, जिससे हमें मिलेगा रिलेटिव नंबर ऑफ द एटम्स। फिर ये जो रिलेटिव नंबर्स ऑफ द एटम हमको आएंगे, इनको हम सेकेंड स्टेप में डिवाइड करेंगे, डिवाइड द कोशेंट्स बाय द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। जब हम हर अलग अलग एलिमेंट के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो सबका रिलेटिव नंबर आएगा, और उन रिलेटिव नंबर में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू से हम सारे रिलेटिव नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जिससे हमको मिलेगा सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। गिवन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 61, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 11.88%। अब यहाँ देखें कि ये कंपाउंड टोटल 100% नहीं होता है, 61 और 11.88% दोनों मिलाकर होता है 72.88%। मतलब 100% कंपाउंड में से 72.88% कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इस कंडीशन में जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो हमेशा ऑक्सीजन होगा। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ रेस्ट टू एलिमेंट्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दोनों ऐड कर दें। इट मीन्स 100 माइनस 72.88 27.12। तो ये परसेंटेज हो गया ऑक्सीजन का। आई टेबुलेशन करते हैं इन सभी एलिमेंट्स का और पता करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एज पर क्वेश्चन हमने एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम और सिंपल रेशियो, इसके लिए एक टेबल क्रिएट कर लिया। एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज गिवन है 61, हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.88, ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट किया 27.12। वी नो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। अब जैसा कि हमने वर्किंग रूल्स में लिखा था स्टेप वन में कि डिवाइड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, सो हम यहाँ पर 61 डिवाइडेड बाय 12 ये करेंगे, और जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मिलेगा वो मिलेगा 5। हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सो 11.88 डिवाइडेड बाय 1, तो हमको यहाँ फिर से मिलेगा 11.88 27.12 इज डिवाइडेड बाय 16, तो हमें यहाँ वैल्यू ऑप्टेन होगी 1.77। वर्किंग रूल का जो सेकेंड रूल था वो था कि कोशेंट ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो, यहाँ पर 5 है, यहाँ 11.188 है और ये है 1.77। सो लिस्ट वैल्यू हमें 1.77 मिल रही है। हम इन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को इस लोएस्ट वैल्यू 1.77 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सिंपल रेशियो। सो वी गेट 5 डिवाइडेड बाय 1.77, वी गेट 3, 11.88 डिवाइडेड बाय 1.77, सो वी गेट 7 ऑलमोस्ट, एंड 1.77 इज डिवाइडेड बाय 1.77, सो वी गेट 1। तो हमें अब एम्पेरिकल फार्मूला जो कैलकुलेट करना था उसका हमें पता चल चुका है। एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू सी सिंपल रेशियो 3, एलिमेंट एच सिंपल होल नंबर रेशियो 7 एंड ऑक्सीजन ओ इज 1। तो ये फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला बन चुका है। एम्पेरिकल फार्मूला C3H7O, इसको हम
यूज करेंगे एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करने के लिए। तो कार्बन का मास है 12, एटम है 3, प्लस हाइड्रोजन का मास है 1, एटम है 7, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू एटम है 1। तो ये टोटल जो एम्पेरिकल फार्मूला मास निकल के आएगा वो आएगा 59। अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी गिवन है 2 इंटू 59, सो फाइनली 118। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें होल नंबर चाहिएगा n, वो है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास 118, फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला मास 59, सो वी गेट n इज इक्वल टू 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनाना है उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला और सबस्क्रिप्ट में n। आपने n की वैल्यू पता कर ली है, एम्पिरिकल फार्मूला है C3H7O, n की वैल्यू 2, सो वी गेट फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 to the 6, 7 to the 14, ऑक्सीजन 1 to the 2। तो ये हो गया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।